राजधानी दिल्ली में पहली बार सड़कों पर ई ऑटो दौड़ेंगे। देश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक ऑटो की संख्या दिल्ली में ही होगी। आपको बताएं, दिल्ली सरकार ने 4,261 ई ऑटो के पंजीकरण के लिए आवेदन मांगे हैं। इसमें 33% यानी 1,406 परमिट महिलाओं के लिए जारी होंगे। वहीं दिल्ली सरकार ने सोमवार को ई ऑटो परमिट के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि पात्र लोग दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आपको बताएं, कैलाश गहलोत ने कहा कि ई ऑटो परमिट दिल्ली को इलेक्ट्रिक वाहन की राजधानी बनाने की दिशा में अरविंद केजरीवाल सरकार का एक प्रभावी कदम है। सरकार शहर को प्रदूषण मुक्त परिवहन सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली सरकार अपनी ईवी नीति के तहत ई ऑटो की खरीद पर 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास दिल्ली का पता, हल्के मोटर वाहन का वैध ड्राइविंग लाइसेंस या ट्रिपल व्हील चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस के साथ दिल्ली का आधार कार्ड है, वह ई ऑटो परमिट के लिए आवेदन कर सकता है। वहीं दिल्ली सरकार की ओर से 25 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक ई ऑटो मेले का आयोजन किया गया है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी दिल्ली।